बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्रिय स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने लैंग्वेज फ्रॉम चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर 6 है। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो अमर्जेंस पर होगा। वैसे कि आप लोगों के चैप्टर के अंदर क्वींस एज अ लैंग्वेज फॉर्म मेंशन है, लेकिन क्वींस जो है वो अमर्जेंस ही की एग्जाम्पल है। हम पहले अमर्जेंस के बारे में सीखेंगे। आज हमारे लेक्चर में है व्हाट इज अमर्जेंस, its type, uses and examples, what is cream, types of creams, composition, advantages, disadvantages and uses of creams. dosage form के बारे में आप लोगों को काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा। हमने बहुत सारे dosage form के बारे में स्टडी कर लिया है। आज हम लोग emulsions के बारे में सीखेंगे। what is emulsion? an emulsion is a mixture of two or more liquids that are normally immiscible. अमर्जन जो है वो दो से ज्यादा लिक्विड्स का मिक्सचर है जो अमूमन आपस में इनविजिबल होता है, आपस में मिक्स नहीं हो सकते। ऐसे लिक्विड्स का मिक्सचर है जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, लेकिन ना हल तजी रहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि दो से ज्यादा ऐसे लिक्विड्स जो आपस में ना हल तजी होते हैं, इस तरह के मिक्सचर को अमर्जन कहते हैं। एंड अमर्जन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स They are normally invisible. Invisible का मतलब ये होगा कि ना हल पजी होना हाँ अमूमन। These invisible liquids are made visible by the addition of third substance known as emulsions, emulsifying agents and emulsifier. ये जो दो से ज्यादा liquids हैं जो आपस में mix नहीं हो सकते, हल नहीं हो सकते हैं, इनको हम विजिबल बना सकते हैं, हल पजीर बना सकते हैं अगर कोई थर्ड एजेंट इसमें ऐसा डाल दिया जाए जो कि इनको आपस में हल करने का बायस बने। और इस तरह का जो थर्ड सब्सटेंस या थर्ड एजेंट है जो कि इनको मिक्स करने का, आपस में विजिबल बनाने का बायस बनता है, वो अमर्जन कहलाता है या अमल्सिफाइंग एजेंट कहलाता है या फिर अमल्सिफायर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन है ये प्रॉपर अमर्जन की। एन अमर्जन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स दैट आर नॉर्मली विजिबल। दीज इनविजिबल लिक्विड्स आर मोर विजिबल बाय द एडिशन ऑफ थर्ड सब्सटेंस नोन एज अमर्जन, अमल्सिफाइंग एजेंट एंड अमल्सिफायर। दो से ज्यादा लिक्विड जो आपस में इनविजिबल है उनको विजिबल बनाने के लिए थर्ड एजेंट डाला जाता है, जिसके अमल्सिफाइंग एजेंट्स और अमल्सिफायर कहलाता है। और इस तरह का मिक्सचर जो है वो आपस में ना हल पजीर माया से मिलकर बने हुए होते हैं, वो अमर्जन कहलाते हैं। ठीक है, आप तस्वीर में देखिए आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे तीन बीकर्स बनाए गए हैं। फर्स्ट वाले बीकर के अंदर लिक्विड वन वाटर को जाहिर कर रहा है। बीकर के अंदर वाटर है, इस वक्त जो लिक्विड वन है और इसमें कुछ ड्रॉप्स ऊपर से आ रहे हैं। ये ड्रॉप लिक्विड टू है जो कि ऑयल है। आप सब जानते होंगे कि कभी भी तेल पानी में हल नहीं होता, बल्कि अगर तेल पानी में हल हम करते भी हैं तो जो ऑयल है उसकी एक लेयर बन जाती है पानी के ऊपर वाली सतह के ऊपर, एक लेयर बन जाती है जबकि पानी नीचे रह जाता है। ऑयल एंड पानी, ऑयल और वाटर जो है आपस में इनविजिबल लिक्विड्स हैं जिनकी वजह से अमर्जन बनता है। अब थर्ड वाले आपको बीकर में देखिए, थर्ड वाले बीकर के अंदर ऑयल येलो कलर का ऑयल की एक लेयर टॉप पर बन गई है और नीचे पानी की एक लेयर है, मीन्स दो लेयर्स में डिवाइड हो गया है। ये मिक्सर इनविजिबल लिक्विड्स शो कर रहे हैं क्योंकि आपस में मिक्स नहीं हुआ। अगर आपस में मिक्स हो चुके होते, इनविजिबल बन चुके होते, तो तमाम लिक्विड्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते लिक्विड वन के अंदर, लेकिन यहाँ पर लेयर बना दी गई है। थर्ड वाले जो बीकर है उसमें लेयर्स बन गई है इनविजिबल लिक्विड्स है। अगर इनमें कुछ ऐसा एजेंट डाला जाए, कोई ऐसा थर्ड एजेंट डाले जो इनको आपस में मिक्स कर दे, तो वो अमल्सिफाइंग एजेंट जिसको हम कह रहे हैं, तो यहाँ पर अमर्जेंस बन जाते हैं। जैसे कि येलो कलर के यहाँ पर मिडिल वाले बीकर के अंदर येलो कलर के ड्रॉप्स पूरे पूरे पानी में फैले हुए हैं। लिक्विड्स के दोनों लिक्विड्स में आप देखेंगे येलो कलर के जो ड्रॉप्स हैं ये ऑयल है और बाकी का इसमें वाटर है और अमर्जन बन गया है। नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको
क्लियरली समझ में आ जाएगा. An amalgam is a mixture of two or more liquids that are normally invisible. Amalgam क्या है? Mixture है दो से ज्यादा liquids का जो अमूमन एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होते. इनविजिबल को मैंने ब्रैकेट का मीनिंग बताया है नॉन विजिबल और अनब्लाइंडेबल. इनविजिबल ही का मीनिंग है नॉन मिक्सेबल, यानी आपस में मिक्स नहीं हो सकता. अनब्लाइंडेबल ब्लाइंडिंग का मतलब ये होता है कि मिक्सअप करना, इक्वली मिक्सअप कर देना सब चीजों को. तो यहाँ पर आप इनविजिबल वर्ड इस्तेमाल करें, नॉन मिक्सेबल वर्ड इस्तेमाल करें या अनब्लाइंडेबल वर्ड इस्तेमाल करें जो आपको इजी लगे. मीन्स मतलब उसका एक ही है. An amalgam is a mixture of two or more liquids that are normally invisible. Second point है, in an amalgam, one liquid is dispersed in other. एक liquid दूसरे में dispersed हो जाता है. Dispersed का मतलब है फैल जाना. एक liquid के droplets दूसरे में फैल जाते हैं. जैसे ऊपर वाली slide के अंदर, ऊपर वाली slide के अंदर, middle वाले beaker के अंदर droplets पूरे beaker में फैल गए. In an amalgam, one liquid disperses in other. इनमें एक liquid जो होगा वो disperse phase होगा, जबकि दूसरा liquid जिसके अंदर वो हल हो रहे हैं, जिसमें वो पूरे पूरे droplets जो हैं हल हो रहे हैं, वो continuous phase होगा. Example हम देखते हैं कौन सा होता है. Vinegar, milk and some cutting leaves for metal working. आमतौर पर विनेगर से बहन विनेगर से रिलेटेड ही होता है, सॉलिड्स वगैरह का इस्तेमाल होता है. तो और जो है मिल्क वो मोर कॉमन एग्जांपल है. मिल्क बेसिकली अमल्जन होता है और अमल्जन वर्ड भी वो मिल्क से निकला है. हमारी आम लाइफ के अंदर दूध है वो परफेक्ट एग्जांपल है अमल्जन की. उसके बाद कटिंग फ्लूस फॉर मैटी वर्किंग, अमूमन लकड़ी किस्म के जो कटिंग फ्लूस होते हैं मेटल के, उसमें भी अमल्जन होता है. इसके अलावा जो हम कलर पेंट्स यूज कर रहे होते हैं वो भी अमल्जन होते हैं. और बहुत सारी और दूसरी इंडस्ट्री है जहाँ पे अमल्जन यूज होते हैं. द वर्ड अमल्जन कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फॉर टू मिल्क एज मोर अदर थिंग एंड अमल्जन ऑफ मिल्क फैट एंड वाटर. अमल्जन वर्ड है वो लैटिन वर्ड टू मिल्क से आया है. और क्योंकि मिल्क जो है फैट एंड वाटर का मिक्सचर होता है. फैट एंड वाटर, फैट एंड वाटर जो आपस में इनविजिबल है, इसका मतलब ये एक अमल्जन है. यहाँ पे देखिए दो बीकर दिखाए गए हैं जिसके अंदर एक में वाटर है दूसरे में ऑयल है. इनको आपस में मिलाया गया तो इनविजिबल लेयर्स बन गई है. नीचे नीचे वाली लेयर पानी को जाहिर कर रही है, कोई येलो जो लेयर है वो ऑयल को जाहिर कर रही है. इसका मतलब है ये आपस में इनविजिबल है. इसी तरह मिल्क में होता है जैसे जब हम दूध को बॉइल करते हैं तो छोटे चिकनाई की लेयर आ जाती है, बाकी का दूध नीचे रह जाता है, दो लेयर में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि वो एक अमल्जन है. इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि अमल्जन क्या होता है. ऐसा मिक्सचर दो से ज्यादा लिक्विड से जो आपस में इनविजिबल है, वो इनविजिबल जब बनते हैं जो मिक्सचर जब बनते हैं तो उनको हाइड्रोजन डाला जाता है जिसे अमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ अमल्जन हमारी कॉमन लाइफ के अंदर कौन सी एग्जाम्पल होती है अमल्जन की. ऑयल एंड वाटर आपको क्लियर हो जाएगा. आम लाइफ में ऑयल एंड वाटर जो है मिक्सचर आर द अमल्जन. व्हेन शेकन टुगेदर द ऑयल विल फॉर्म ड्रॉप्स एंड डिस्पर्स थ्रू आउट द वाटर. मतलब अगर पानी और ऑयल को हम आपस में हल करते हैं वो अमल्जन बनाता है अगर हम इसे शेक करते हैं. ठीक है, ऑयल और वाटर को लेयर बनाई, लेकिन हम जो हम शेक करते हैं मिलाते हैं जिस तरह से मिक्सअप करते हैं वो क्या होता है, ऑयल के ड्रॉपलेट पूरे पानी में फैल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, पूरे पानी में फैल जाते हैं. ऑयल विल फॉर्म ड्रॉप्स एंड डिस्पर्स थ्रू आउट द वाटर. ऑयल क्या करता है ड्रॉप्स बना लेता है और पूरे पानी में फैल जाता है, डिस्पर्स हो जाता है थ्रू आउट द वाटर. इसके अलावा और कॉमन एग्जाम्पल में एग योक अंडे की जल्दी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटेनिंग द मल्सिफाइंग एजेंट. एग योक जो है अंडे की जर्दी एक अमल्जन है, उसके अंदर एक एजेंट होता है, अमल्सिफाइंग एजेंट मौजूद होता है उसके अंदर जिसे कहते हैं लेसिथीन. लेसिथीन बहुत सारी चीजों में एज अमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, अमल्सिफायर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. करीमा ऑन एक्सप्रेसो, करीमा ऑन एक्सप्रेसो इज एन एग्जाम्पल कंसिस्टिंग ऑफ वाटर एंड कॉफी ऑयल. करीमा सॉफ्ट क्रीम की तरह की ही एक शेप होती है
थीम से मिलते जुलते हैं। और एक्सप्रेसो जो है कॉफी की एक टाइप है, उसके अंदर कॉफी और वाटर जो है वो इनविजिबल है, एक अमर्जन बनाता है। बटर इज एन अमर्जन ऑफ वाटर इन फेट, बटर मक्खन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी अमर्जन है, वो वाटर इन फेट, इनके वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं फेट के अंदर। तो बटर अमर्जन की एग्जाम्पल हो गई। मायोनीज इज एन ऑयल इन वाटर अमर्जन, मायोनीज जो हम बर्गर्स में इस्तेमाल करते हैं, सैंडविचेस में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी और बेकरी आइटम्स में यूज हो रहा होता है, वो भी अमर्जन की एग्जाम्पल है। उसमें ऑयल के ड्रॉपलेट्स वाटर के अंदर होते हैं। दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय द लेसिथिन एडजॉर्ब, जो कि स्टेबलाइज की जाती है, जो मिक्सअप की जाते हैं ये ऑयल एंड वाटर के अंदर, या इनविजिबल लिक्विड लेसिथिन की मदद से किए जाते हैं, जो एडजॉर्ब में होते हैं। जैसे आपको बताया गया लेसिथिन जो एमल्सीफाइंग एजेंट है, उन्हें आपस में मिक्स करने का काम करता है, जो इनविजिबल लिक्विड्स को। तो फोटोसेंसिटिव साइड ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म इज स्पॉटेड विद एन अमर्जन ऑफ सिल्वर हैलाइड इन जेलेटिन। जो फोटोसेंसिटिव साइड होती है फोटोग्राफिक फिल्म की, वो इस तरह के मटेरियल से कोटेड होती है जो कि अमर्जन होते हैं। ना सिर्फ फूड इंडस्ट्री में बल्कि और बहुत सी जगह, जैसे मेटल कटिंग के बारे में बताया था, या तो फोटोसेंसिटिव साइड ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म के बारे में बताया गया, मैंने बताया बहुत से कलर पेंट्स जो है अमर्जन होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन अमर्जन फॉर्म में आती है, मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, वो हम आगे देखेंगे किस तरह है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ अमर्जन दिखाए गए हैं। बेसिकली हम लोग ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए मैं शेयर किया मैंने, सिंपल अमर्जन या मैक्रो अमर्जन। सिंपल अमर्जन कहलाएंगे या मैक्रो अमर्जन कहलाएंगे। कंटेनिंग वन इंटरनल फेज, इनमें एक इंटरनल फेज होता है। यहाँ पे इंटरनल फेज के बाद जानी है क्या चीज है, मैंने बोला था वो ऑयल के ड्रॉपलेट्स पानी में डिस्पर्स हो जाते हैं, तो जो डिस्पर्स फेज होता है वो इंटरनल फेज होगा, और कंटिन्यूस फेज वो होगा जिसमें वो ड्रॉपलेट हल होंगे। मतलब वहां जो मैंने एग्जांपल देखी उसमें फर्स्ट वाली स्लाइड, सेकंड वाली स्लाइड में जो एग्जांपल था उसमें वाटर कंटिन्यूस फेज था और ऑयल जो है वो डिस्पर्स फेज था, क्योंकि ऑयल के ड्रॉप्स पानी में हल हो रहे थे। ऑयल इन वाटर इमर्जन का मतलब है कि ऑयल के ड्रॉपलेट्स वाटर के अंदर जो है डिस्पर्स हुए हैं, हल हुए हैं। और वाटर इन ऑयल इमर्जन का मतलब है वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ऑयल में हल हुए हैं। हम लोग ले सकते हैं, हमने कहा था ऑयल इन वाटर के अंदर ऑयल कम मिकदार में होता है, वाटर ज्यादा होता है, हम ऑयल को वाटर में हल करते हैं। जैसे वाटर इन ऑयल के अंदर वाटर कम होता है, ऑयल ज्यादा होता है, और वाटर का हम ऑयल के अंदर हल कर देते हैं, तो वाटर इन ऑयल इमर्जन हो जाता है। इसके बाद सेकंड पे मल्टीपल इमर्जन, इट कंटेन्स टू इंटरनल फेज, इसमें दो इंटरनल फेज होते हैं, ऑयल इन वाटर इन ऑयल एंड वाटर इन ऑयल इन वाटर। अमूमन जो है आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों के हिसाब से जानना फर्स्ट वाली टाइप इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी क्रीम जो है उसके जिक्र आएगा, सिंपल इमर्जन एंड मैक्रो इमर्जन। मल्टीपल इमर्जन एज इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मल्टीपल इमर्जन कैन बी यूज टू डिले रिलीज और टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द एक्टिव कंपाउंड। मल्टीपल इमर्जन कहाँ इस्तेमाल होते हैं, गला जहां हमने डिले रिलीज इफेक्ट देना होता है, उन मेडिसिन में जहां हमने डिले रिलीज के बारे में हम लोगों ने टेबलेट्स में पढ़ा था कि डिले रिलीज या कंट्रोल रिलीज क्या होती है, ये कौन सी मेडिसिन होती है, मुझे अपना इफेक्ट आपके टाइम पीरियड के हिसाब से, जो आप लोगों ने डिजायर टाइम पीरियड है उसके हिसाब से शो करी होती है। तो यूज टू डिले रिलीज और टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एक्टिव कंपाउंड, आपको आपके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्टिव केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी स्टेबिलिटी आपको बढ़ानी है, उससे होते हैं मल्टीपल इमर्जन आप संभाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, हम लोगों ने आम लाइफ के अंदर देख लिया था, आम लाइफ के अंदर जो इमर्जन यूज हो रहे हैं लाइक मिल्क, मायोनीज, एडजॉक, हम एग्जाम्पल्स की है, लेकिन मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्यों पढ़ रहे हैं इमर्जन। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में से क्या अहमियत है, फार्मास्यूटिकल जो इमर्जन है वो कहाँ कहाँ अप्लाईकेबल है, एप्लीकेशन ऑफ इमर्जन में हम देखेंगे। ओरल इमर्जन क्या है, ओरल इमर्जन के तौर पर भी है, और इन वाटर लिक्विड अमूमन ओरल इमर्जन होते हैं, जबकि वाटर ऑयल जो होंगे वो एक्सटर्नली अप्लाई होते हैं मोस्टली।
ओरल इमरजेंसी में एक एग्जांपल दी है यहाँ पर नॉक्सिंग विद लैक्सेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। ओरल इमरजन है ये, एक्सटर्नल इमरजेंसी है लैनिमेंट लोशन क्रीम। लोशन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, लोशन क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। क्रीम के बारे में हम नेक्स्ट लाइन में डिटेल से पढ़ते हैं, वहां मैं आपको बताती हूँ लैनिमेंट्स। लैनिमेंट्स जो होते हैं वो लिक्विड डोजेज फॉर्म ही होते हैं, लेकिन अमूमन एनाल्जेसिक्स के तौर पर यूज हो रही होती है और ऐसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही होती है कि रब करके आप उन्हें लगा रहे होते हैं। मल्टीपल हम ये कह सकते हैं मालिश के लिए, आम जुबान में हम कहें तो मालिश के लिए इस्तेमाल हो रही है, हमें उस तरह लगाते हैं मालिश कर रहे होते हैं, तो ये लैनिमेंट्स होते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी आपको लैनिमेंट्स के बारे में। ये भी एक्सटर्नल इमरजेंस के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। पेरेंटल इमरजेंस, पेरेंटल इमरजेंस, पेरेंटल के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एग्जाम्पल है ऑयल इन वॉटर, पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में आप लोगों को क्लियर होगा, मैं पूरा चैप्टर पढ़ा है पेरेंटल न्यूट्रिशन, वो ऑयल इन वॉटर इमरजेंस की फॉर्म में आती है। इसके बाद ऑयल इन वॉटर और वॉटर इन ऑयल इंट्रामस्कुलर से दिए जाते हैं। जिससे यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स देखें दी गई है तस्वीरों में, जैसे क्रीम दी गई है यहाँ पर, जो कि एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर यूज हो रही होती है, टॉपिकली अप्लाई होती है। फिश ऑलिव ऑयल, फिश ऑलिव ऑयल सॉफ्ट सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स में भी हमने पढ़ा था। तो फिश ऑलिव ऑयल जो है यहाँ पर अमेजन फॉर्म के अंदर है, वाइटामिन के का इंजेक्शन, प्रोपोफोल इंजेक्शन, वैक्सीन, ये सारी प्रोडक्ट्स जो है वो फार्मास्यूटिकल अमेजन है अंदर हकीकत। क्रीम्स, क्रीम्स के बारे में आप सब जानते हैं, सबने अपनी स्किन पे भी अप्लाई की है क्रीम, और अमूमन हमेशा हर कोई घर के अंदर क्रीम यूज कर रहा होता है किसी न किसी पर्पज के लिए। तो क्रीम क्या है, क्रीम आर विस्कस और सेमीसॉलिड इमर्जन यूज्ड फॉर एप्लीकेशन ऑन स्किन। क्रीम विस्कस और सेमीसॉलिड इमर्जन है यूज्ड फॉर एप्लीकेशन ऑन स्किन, हम देखते स्किन पर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एज कम्पेयर टू लिक्विड भी थोड़ा सा विस्कस होता है, थोड़ा सा थिक होता है, एज कम्पेयर टू लिक्विड में लिक्विड भी लिक्विड सब फॉर्म में होता है, और ये सेमीसॉलिड फॉर्म के अंदर और आता है। यहाँ पे आप देखिएगा कि क्रीम अमेरिजन की एग्जाम्पल है, अमूमन एमसीक्यूज में आती है ये बात कि क्रीम किसकी एग्जाम्पल है, सस्पेंशन की, अमेरिजन की, या और ऑप्शन होती है उसके अंदर। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्रीम अमेरिजन है, सेमीसॉलिड अमेरिजन के तौर पर ये डोजेज फॉर्म आती है, स्किन के ऊपर अप्लाई होती है। दे मे बी नॉन मेडिकेटेड एज अमोलिएंट और मेडिकेटेड फॉर अ स्पेसिफिक एक्शन। ये अमन मेडिकेटेड भी होती है, नॉन मेडिकेटेड भी होती है। जो नॉन मेडिकेटेड है वो एज ए अमोलिएंट यूज होता है, हम अमोल स्किन पर अप्लाई कर रहे होते हैं अपने स्किन के नॉर्मल लाइन बनाने के लिए मॉइस्चराइजिंग के तौर पर, और जब तक उसमें कोई मेडिकामेंट एजेंट हो, वो हम एंटी बैक्टीरियल क्रीम यूज करते हैं, एंटी एक्ने क्रीम यूज कर रहे होते हैं, वो एंटी इंफ्लेमेटरी क्रीम यूज करते हैं, तो वो मेडिकेटेड क्रीम होते हैं। तो मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड दोनों तरह की क्रीम हम यूज करते हैं, कॉस्मेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्रीम। तो क्रीम्स की थिकनेस के बारे में क्या आप लोगों ने डिस्कस होती है, सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्रीम, क्रीम आर सेमी सॉलिड इमर्जन दैट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वॉटर। क्रीम जो सेमी सॉलिड इमर्जन है, इमर्जन क्या था कि दो से ज्यादा इनविजिबल लिक्विड का मिक्सचर, इसीलिए क्रीम भी मिक्सचर है ऑयल एंड वॉटर का। दे आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, ऑयल एंड वॉटर टाइप एंड वॉटर एंड ऑयल टाइप। अब आपको समझना है मैंने इमर्जन आपको पहले क्यों बताया, इमर्जन आपको बताने का मकसद ये था कि आप इन पॉइंट्स को इजीली समझ सके। इमर्जन ये इसीलिए मिक्सचर है इस तरह के लिक्विड से जो आपस में इनविजिबल हो, तो क्रीम में ऑयल एंड वॉटर है जो कि आपस में इनविजिबल होता है। ये डिवाइड किया जाता है दो टाइप्स में, जिस तरह इमर्जन में डिवाइड किया जाता है, बेसिकली ये भी एक इमर्जन है। ऑयल एंड वॉटर टाइप जो कि एक्वस क्रीम है, इसमें मोस्टली पार्ट कंटिन्यूस पार्ट क्योंकि वॉटर है, ऑयल तो वॉटर में डिवेल किया गया है, तो एक्वस क्रीम है। एक्वस जहाँ पे जो एक्वस का वर्ड है तो मतलब वाटर बेस्ड है ये, और वैनिशिंग क्रीम इसकी एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। जबकि सेकेंड टाइम जो बताई गई है क्रीम की टाइप वो है
वॉटर एंड ऑयल टाइप ऑयली क्रीम, क्योंकि इसमें पानी को ऑयल के अंदर मिक्सअप किए गए हैं, वॉटर यहाँ पे डिस्कस कैसे और ऑयल कंटिन्यू ऑयली क्रीम्स। अब हम कोल्ड क्रीम्स इसके एग्जाम्पल कौन से रुपये में अप्लाई करते हैं, प्रिवेंशन क्रीम गर्मी में लगाई जाने वाली जो ब्यूटी क्रीम है, यहाँ पे दो टाइप्स की क्रीम हो गई, ऑयल इन वॉटर मीन्स एक्वस क्रीम, जिससे एग्जाम्पल वेनिशिंग क्रीम भी होती है जो हम अमूमन गर्मियों में लगा रहे होते हैं, जो कि लेस ग्लीसी होती है, इसमें ऑयल नहीं होता बल्कि स्किन में जस्ट दो जाते हैं क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। जबकि ऑयल इन वॉटर क्रीम हमें वेनिशिंग क्रीम के एग्जाम्पल ले ली, जबकि वॉटर ऑयल टाइप में ऑयली क्रीम्स हैं, कोल्ड क्रीम जब हम सर्दियों में लगाते हैं अमूमन, एक एग्जाम्पल ये भी है इसकी, जब हम ड्राइनेस को खत्म करने के लिए कोल्ड क्रीम्स लगा रहे थे, वो ऑयली क्रीम्स के एग्जाम्पल है वॉटर एंड ऑयल टाइप क्रीम्स की। अब आगे जो है हम लोग उन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों को याद दिलाने के लिए मैंने आसानी के लिए कुछ वो क्रीम्स की तस्वीरें लगाई हैं जो कि हम आम जिंदगी में रूटीन में इस्तेमाल कर रहे थे, आम लाइफ के में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे क्रीम वैनिशिंग वैनिशिंग क्रीम जो है, केयर क्रीम, पॉन्ड्स मॉइस्चराइजिंग तेल क्रीम आती है, जिंक ऑक्साइड क्रीम रैशेस पे लगाई जाती है, ये आम क्रीम जो है तो हमारे घरों में इस्तेमाल हो रही होती है। ऑयल इन वॉटर क्रीम, ऑयल इन वॉटर क्रीम्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, विच आर कम्पोज ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल डिस्पर्स इन कंटिन्यूस एक्वस फेज। इसे ऑयल एंड वॉटर क्रीम इसलिए कहा गया है, ऑयल इन वॉटर क्रीम इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि ये कम्पोज होती है स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल, छोटे छोटे ऑयल के कतरों पे जो कि डिस्पर्स होते हैं कंटिन्यूस फेज में, जो फैले हुए होते हैं कंटिन्यूस इक्वस फेज में, यहाँ इस क्रीम के अंदर इक्वस फेज कंटिन्यूस फेज होता है और उसके अंदर ऑयल के छोटे छोटे कतरे फैले हुए होते हैं, ऑयल वाटर के अंदर हल होता है, ऑयल के जो कतरे हैं वो कंटिन्यूस फेज जो कि वाटर पे डिपेंड कर रहा है, एक्वस फेज जो कि वाटर है उसके अंदर फैले हुए होते हैं, इस तरह के क्रीम्स को ऑयल इन वॉटर क्रीम्स कहा जाता है। कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल है एज दे आर लेस ग्रीसी एंड मोर इजिली वॉश ऑफ यूजिंग वॉटर। कॉस्मेटिकली क्यों एक्सेप्टेबल है, ये क्यों पसंद की जाती है, क्योंकि ये लेस ग्रीसी होती है, ये चिपचिपी हाथ नहीं देती स्किन के ऊपर, ऑयली जिस तरह ऑयली स्किन कर देती है वो नहीं करती, चिपचिपाहट नहीं आती जो है, इसलिए कहते हैं ये लेस ग्रीसी है और मोर इजिली वॉश, हम इसे आसानी से पानी से साफ कर सकते हैं, हमें जो ऑयली चीज होती है उसके लिए वो जब साफ होती है जब उसके आप सोप लगाएं साबुन से अच्छी तरह आप से रब करें फिर वो साफ होती है, वॉटर बेस्ट है क्योंकि ये तो इजीली पानी से साफ हो जाती है, इसलिए कॉस्मेटिकली ये एक्सेप्टेबल है। इसकी और एग्जांपल्स में तो कहते मेडिकेटिव एग्जाम्पल जो मेडिकेटिव क्रीम यहाँ पे हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम, हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम जो कि अमूमन यूज हो रही है जैसे रिड्यूस स्वेलिंग एचिंग एंड रेडनेस, जैसे इंसेक्ट बाइट कर गया किसी किडन काट है तो उसको एलर्जी गर्मी टाइटस हो रहा है, तो इस जगह पे हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम बताई थी, यहाँ पे मैंने तस्वीरों से भी दिखाया है, ये क्रीम्स की एग्जांपल है। इसके अलावा वैनिशिंग क्रीम जैसे मैंने पीछे आपको दिखाई थी वैनिशिंग क्रीम्स केयर वालों की, ये हम जो अमूमन गर्मी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो वैनिशिंग क्रीम्स होती है, सन अमूमन सन प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होती है, रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे होते हैं हम लोग। हाँ नेक्स्ट है वॉटर इन ऑयल क्रीम, वो पहले वाली स्लाइड में थी ऑयल इन वॉटर क्रीम, ये वॉटर इन ऑयल क्रीम है, इसमें क्या है विच आर कंपोज ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वॉटर डिस्पर्स इन अ कंटिन्यूस ऑयली फेस, इसके अंदर वॉटर के ड्रॉपलेट्स ऑयल में डिस्पर्स होते हैं, जबकि पहले वाली स्लाइड में जो कि ऑयल इन वॉटर था उसमें ऑयल जो है वो पानी के अंदर डिस्पर्स था, यहाँ पे पानी के जो ड्रॉप्स हैं वो ऑयल में डिस्पर्स है, वहां पे ऑयल डिस्पर्स फेस था और वाटर कंटिन्यूस फेस था, यहाँ पर जो ऑयल कंटिन्यूस फेस है और वाटर डिस्पर्स फेस है, ये डिफरेंस है इनके अंदर। वॉटर एंड ऑयल क्रीम आर मोर डिफिकल्ट टू हैंडल, थोड़ा सा हैंडल करना डिफिकल्ट होता है इसको, तो लगाने के लिए भी आपको थोड़ा सा जो है ना अच्छी तरह अप्लाई करनी पड़ती है, इसमें वाटर बेस्ट इजिली जस्ट हो जाती है। वॉटर इन ऑयल क्रीम आर ऑल्सो मोर मॉइस्चराइजिंग एज दे प्रोवाइड एज ऑयली बैरियर विच रिड्यूस वॉटर लॉस फ्रॉम द स्ट्रेटम फ्रॉम पोलोनियम
द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। लेकिन इसका एक फायदा है कि ये जो क्रीम है जब हम ड्राई मौसम में लगाते हैं, जब हमारी स्किन पर ड्राई हो जाता है तो ये क्या होता है, ऑयल की एक लेयर बना देता है हमारी स्किन के ऊपर, जो कि वाटर को, वाटर लॉस को रिड्यूस करता है, पानी को आपकी स्किन में ही रहने देता है, जो है ना हाइड्रेशन की तरह, मॉइस्चराइजर की तरह काम कर रहा था, मॉइस्चराइज किया रखता है आपकी स्किन को, ड्राइनेस से बचाता है। आपकी जो आउटर मोस्ट लेयर है स्किन की, जो ऊपर वाली स्किन है उसमें वाटर के लॉस को बचाता है और उसको मॉइस्चराइज करके रखता है ऑयल, इसलिए ये और इस ये क्रीम मॉइस्चराइजिंग के तौर पर बेहतर मानी जाती है। इसके एग्जांपल में है नील फेक, जिंक क्रीम एंड कोल्ड क्रीम। ठीक है, यहाँ पे जो ब्राउन कलर की क्रीम दिखाई दे रही है, होल क्रीम टाइप स्ट्रक्चर है, ये होल फेक है, मिडिल में जिंक क्रीम है, जैसे मैंने बताया था ये रेशेस में इस्तेमाल होती है, कोल्ड क्रीम कोई भी कोल्ड क्रीम हो सकती है, केयर वालों की या फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, बहुत सारी कोल्ड क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल है। कूल फेक जो है येलो लीन दिखा जाता है इसको, ये आप फॉर्मल यूनिवर्सिटी में इसकी डिटेल पढ़ लेंगे आराम से, ये किस किस चीज में यूज होता है, वूल वैक्स भी कहते हैं, वूल फेक भी कहते हैं, वूमन स्किन प्रोटेक्शन के जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें यूज हो रहा होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज हो रहा होता है, ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स में यूज हो रहा होता है कूल फेक। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है ये कंपोजिशन ऑफ क्रीम, कंपोजिशन ऑफ क्रीम, क्रीम में बेसिकली चार इंग्रीडियंट मेन इंग्रीडियंट यहाँ पे बताए गए हैं, लेकिन प्रिजर्वेटिव्स भी यूज हो जाता है। ये बेसिक इंग्रीडियंट्स हैं वाटर एंड ऑयल, दो इनविजिबल लिक्विड से चाहिए ही चाहिए क्योंकि एमल्जन है ये, वाटर ऑयल एमल्सीफाइड चाहिएगा इन दोनों लिक्विड्स को मिक्सअप करने के लिए, वाटर एंड ऑयल मिक्सअप करने के लिए एमल्सीफाइंग एजेंट चाहिएगा। थिकनिंग एजेंट क्योंकि क्रीम थोड़ी थिकनेस होती है, इसमें सेमीसॉलिड फॉर्म में हो रही होती है, इसलिए थिकनिंग एजेंट लाना चाहिए, एंड प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव इसलिए कि कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, कंटामिनेटेड ना हो क्रीम, कंटामिनेशन स्टार्ट ना हो जाए उसके अंदर, तो इसलिए प्रिजर्वेटिव आप डालें। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, ऑयल, वाटर, मल्सीफायर, थिकनिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव के अलावा बहुत कुछ डालते हैं हम लोग, जैसे अगर कलरिंग एजेंट डाल सकते हैं, फ्रेगनेंस, जो भी फ्रेगनेंस की हमें बनानी होती है वो, और बहुत से एक्सीपिएंट्स, एडिटिव्स यूज होते हैं। अगर मेडिकेटेड क्रीम है तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डालते हैं इसके अंदर, कोई भी अगर बैक्टीरियल साइडल क्रीम बना रही है, एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटी बैक्टीरियल एजेंट डाला जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए कोई क्रीम है या एंटीसेप्टिक क्रीम है, उसके हिसाब से इसमें मेडिसिनल एजेंट एड हो जाता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। ये जो कंपोजिशन ये थोड़ी सी चेंज होती रहती है, इसमें चीजें एड होती रहती है, बेसिक जो है बेसिक इंग्रेडिएंट्स वाटर ऑयल एमल्सीफायर एजेंट प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि यूज हो रहे होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कंपोजिशन हो गई, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा एडवांटेजेस ऑफ क्रीम, हर चीज के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। क्रीम के एडवांटेजेस क्या है वो देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स अवेलेबल है, तो क्रीम के थ्रू जो है मेडिकामेंट आपकी बॉडी में क्यों पहुंचाया जाता है, क्यों एज अ मेडिसिनल डोजेज फॉर्म के तौर पर या फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म पे क्रीम यूज होती है, इसका एडवांटेज क्या है, दे गिव्स प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट इन द साइट ऑफ एप्लीकेशन देन द अदर फार्मास्यूटिकल सेमीसॉलिड डोजेज फॉर्म। दूसरी जो फार्मास्यूटिकल सेमीसॉलिड डोजेज फॉर्म है उसकी निस्बत ये स्किन के ऊपर ज्यादा अर्से तक जो है मेडिकामेंट को रखती है, या कॉन्टेक्ट तो जो टाइम है इसका प्रोलॉन्ग है, ज्यादा है तो स्किन के ऊपर इजीली जज हो जाती है और वहां पर काफी अर्से तक वो मेडिकामेंट अपना असर दिखाता रहता है। इंजर्ड एरिया कैन बी ड्राइड क्विकली बाय क्रीम्स देन अदर सेमीसॉलिड प्रोटेक्शन, ऐसे बोले दूसरे प्रोटेक्शन, जब हम इसे किसी जख्म पे लगाते हैं, कहीं इंजरी हो गई, कोई कट लग गया है, कहाँ पे लगाते हैं तो ये जो जल्दी से क्विकली ड्राई कर देती है क्रीम्स, क्योंकि ये इजिली जज हो सकती है बॉडी के अंदर, लाइट वेट होती है स्किन, इसके अंदर इजिली जज हो जाएगी तो वहां पर जल्दी से जज होकर वहां पर ड्राई कर देगी एज कम्पेयर टू अदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके। नॉन एनी टाइम व्हेन अप्लाई टू द स्किन, जब आप अप्लाई लगाते हैं बिल्कुल लाइटली अप्लाई हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा बिगड़ना नहीं पड़ता है, अप्लाई करने के लिए रब नहीं करना पड़ता है, लाइट वेट है, सेमीसॉलिड फॉर्म के अंदर है, इसलिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं, नॉन इरिटेटिंग है, किसी भी जख्म पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, आपको रगड़ना नहीं पड़ेगा कि जख्म का दर्द हो। इसके बाद है इजीली वाटर वॉशेबल, इजी टू वेप अवे, इजीली वाटर वॉशेबल, आप आसानी से पानी से इसे साफ कर सकते हैं, किसी टिश्यू पेपर से इसे वेप अवे कर सकते हैं, टिश्यू पेपर से साफ कर सकते हैं,
वॉश करने से आसान है, लेस ग्रीसी कंपेयर टू ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह, आपको पता चल जाएगा ऑइंटमेंट में उसमें क्या फर्क है। ऑइंटमेंट की निस्बत ये इसमें ग्रेसीपन कम होता है, चिपचिपाहट नहीं होती, ज्यादा चिपचिपाहट ज्यादा नहीं होती। इजी टू स्प्राइड ऑन स्किन सरफेस, स्किन पे लगाना मैंने कहा था जैसे कि आसान होता है, लाइट वगैरह इजीली जल भी जाती है, आप इजीली आप स्किन के ऊपर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन इसकी बहुत आसान है, इस कंपेयर टू दूसरे प्रोडक्ट से एप्लीकेशन आसान है, तो पेशेंट इसको पसंद करता है कि हम ठीक है इसे अप्लाई किया जाए स्किन पर। डिसएडवांटेजेस भी है कि स्टेबिलिटी इज नॉट एज गुड एज ऑइंटमेंट, स्टेबिलिटी थोड़ी कम है, मालूम क्या होता है कि हार्ड हो जाती है या क्या होता है, और वॉटर एंड ऑयल इसका अलग हो जाता है, दोनों इनविजिबल लिक्विड अलग अलग लेयर्स बना लेते हैं, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम करती है ये। दे आर लेस हाइड्रोफोबिक देन अदर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, ये लेस हाइड्रोफोबिक है देन अदर टू सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, सो रिस्क ऑफ कंटामिनेशन इज हाई देन द अदर, मीन्स इसमें पानी का कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है जिसकी वजह से क्या है बैक्टीरियल ग्रोथ इजिली हो सकती है, बैक्टीरिया को एनवायरमेंट मिल जाता है डिवेल्प होने का, तो कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसमें बैक्टीरिया के माइक्रोब्स की ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर जो प्रोडक्ट है, इसलिए इसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं कि ये डिसएडवांटेज को ओवरकम किया जा सके। यूजिंग ऑफ क्रीम क्या है, हमने बाकी सारी चीजें आम जिंदगी में एप्लीकेशन अभी देखी थी, आम जिंदगी में गर्मी में कौन सी क्रीम लगा सकते हैं, सर्दी में कौन सी क्रीम लगा सकते हैं, कॉस्मेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा भी और बहुत सारे जो है यूजेस हैं इसके, द प्रोविजन ऑफ अ बैरियर टू प्रोटेक्ट द स्किन, दिस मे बी फिजिकली बैरियर और केमिकली बैरियर एज ए सनस्क्रीन, ये स्किन पर एज अ प्रोटेक्शन के इस्तेमाल की, एज अ प्रोटेक्टर इस्तेमाल की जाती है कि स्किन की प्रोटेक्शन के लिए आप यूज कर रहे होते हैं, ना सिर्फ स्किन की प्रोटेक्शन में बल्कि अगर सन ब्लॉक्स जैसे आ रहे हैं, सन स्किन क्रीम जा रही होती है, लेकिन हमें सूरज के नजर असरात, सूरज के जो रेज होती है कि उनके नजर असरात से हार्मफुल रेडिएशन से भी बचा रही होती है, इस तरह की क्रीम्स भी मौजूद है जो स्किन प्रोटेक्शन में यूज हो रही होती है। सेकेंड है टू एड इन रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर, क्या होगा कि मैंने बताया था जैसे ऑयल की लेयर बन जाती है जो कि पानी को लो समय से रोकती है, तो मॉइस्चराइजिंग के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा था आपकी स्किन को वो मॉइस्चराइज रखती है, ड्राइनेस नहीं आने दे, स्पेशली वॉटर ऑयल क्रीम्स के बारे में, कोल्ड क्रीम्स के बारे में यहाँ पे, कि वो ड्राइनेस को खत्म करते हैं। क्लिंजिंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे आपको स्किन क्लिंज करना, क्लिंजिंग के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, एमोलिएंट इफेक्ट देती है, एमोलिएंट का मतलब है सॉफ्टनेस और नरम लाइन इफेक्ट दे रही थी जब आप इसे स्किन के पे अप्लाई करते हैं, एज अ वेहीकल फॉर ड्रग सब्सटेंस सच एज लोकल एनेस्थेटिक हार्मोन, एंटी इंफ्लेमेटरी जो है एंसर्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल्स और काउंटर एरिटेंट, बहुत सारे मेडिसिन पॉइंट ऑफ से बहुत सारे जो है ना मेडिसिनल एजेंट्स से बनी हुई क्रीम्स अवेलेबल हैं, जो कि क्रीम्स में डिस्पेंस किए जाते हैं क्रीम्स डेविड फॉर्म में, इनमें एनेस्थेटिक्स भी हैं कुछ, जो हार्मोन्स हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंसर्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल एंड काउंटर एरिटेंट, ये तमाम के तमाम जो है क्रीम डेविड फॉर्म में अवेलेबल है। वो तो एनेस्थेटिक हार्मोन स्किन पे लगाया जाता है, तो वो स्किन पे लगाया जाता है थोड़ी देर के यहाँ पे सेंसेशन की तरह एहसास है वो कम हो जाता है। हार्मोन बहुत सारे हार्मोन भी अप्लाई की, एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब अमूमन कहीं दर्द हो रहा हो या कहीं कोई पेन हो गया फील हो रहा हो तो वहां पर एंटी इंफ्लेमेशन हो, सूजन हो, वहां पर एंटी इंफ्लेमेटरी, तो एंसिड इस्तेमाल होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटीबायोटिक मैंने बताया था एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स डाले जाते हैं, बैक्टीरिया ग्रोथ को रोक रहे होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो क्रीम इस्तेमाल हो रही है वो एंटीबायोटिक्स क्रीम्स की तरफ में आती है, एंटीफंगल क्रीम जो फंगल की ग्रोथ को रोकती है, काउंटर एजेंट्स के तौर पर कुछ अप्लाई की जाती है जैसा इंफ्लेमेशन में या एनर्जेटिक्स जो क्रीम होती है उनके अंदर ये सब पाया जाता है। When is it bad to use a cream? क्रीम का इस्तेमाल जो है कब बेस्ट होता है, हम इन जनरल पीपल प्रेफर यूजिंग क्रीम टू ऑइंटमेंट सिंस दे आर लेस स्टिकी एंड हैवी ऑन द स्किन, तो पर हम पहले भी वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि ये एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑइंटमेंट है इसको प्रेफर किया जाता है कि क्रीम यूज करें क्योंकि ये लेस स्टिकी होती है, ग्रेसी कम होती है, चिपचिपाहट कम होती है, लेस स्टिकी होगी है
एंड हैवी मतलब ज्यादा लाइट वेट होती है, ज्यादा हैवी नहीं होती है, स्किन पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं, इजीली डिस्कॉस हो जाती है स्किन में, एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में. इवन थ्रो विथ थिंग ऑफ क्रीम एज अ डीप मॉइस्चराइजर गिवन देयर हायर वाटर कंटेंट्स एंड एवेपोरेशन दैट ऑकर्स फ्रॉम द एप्लीकेशन, क्रीम्स आर बेटर देन द ऑइंटमेंट्स फॉर द ट्रीटिंग ओजी और विथ स्किन कंडीशंस अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट. अगर आपकी स्किन पे कोई इफेक्ट हो रहा है एनवायरमेंट का, ड्राइनेस आ रही है, तो ये मॉइस्चराइजर इफेक्ट करेगी और आपके वाटर कंटेंट्स को जो है लोशन से बचाएगी, हाइड्रेटेड रखेगी स्किन को. तो इस एज कम्पेयर टू ऑइंटमेंट या दूसरे प्रोडक्ट के ये फायदेमंद होती है, लोग तो पसंद करते हैं. सेंस ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द क्रीम इज लेस देन दैट ऑफ द ऑइंटमेंट. अमूमन जो थिकनेस होती है, जो गाढ़ा कम होता है इसका, वो कम होता है ऑइंटमेंट से. इसी तरह टेस्ट से भी कम होता है, टेस्ट भी होता है जब स्किन सॉलिड में आता है उससे भी कम होता है. लेकिन लिक्विड फॉर्म अगर जाए तो जैसे हमने पढ़ा था लोशन, लोशन से इसकी थिकनेस ज्यादा होगी, लेकिन क्रीम की थिकनेस दूसरे सारे सारे जो लिक्विड फॉर्म है, टेस्ट हो गया ऑइंटमेंट हो गया, उससे कम होगी. दे ऑल्सो वर्क बेटर फॉर कवरिंग लार्ज एरिया ऑफ द स्किन. तो थोड़ी सी विस्कोस होने की वजह से, विस्कोसिटी थोड़ी सी गाढ़ी होने की वजह से क्या करती है, ये ज्यादा बेहतर कवरेज दे रही होती है स्किन के ऊपर और बेहतर काम कर रही होती है. इसलिए क्रीम का अमूमन इस्तेमाल किया जाता है. स्टोरेज एंड पैकेजिंग में क्या है, स्टोरेज आप इस तरह के जार में या ट्यूब में स्टोर करेंगे जो वेल क्लोज्ड होती है. स्टोरेज एंड पैकेजिंग में देखिए, स्टोर कहाँ पे करेंगे, हमें शुड बी पैक और स्टोर्ड भी हम कह सकते हैं, इन क्लोजेबल ट्यूब्स और क्लोज जार. जार की जगह कंटेनर भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पे देखे कुछ मैंने जार्स दिखाए भी हैं, किस तरह के जार्स में हमने डिस्पेंस होते हैं. सभी क्रीम्स देखी होंगी जो इस तरह के जार्स में डिस्पेंस होती है या फिर वो ट्यूब्स में आ रही होती है. तो वो ट्यूब जो के इजिली जिनसे प्रेस करते हैं तो हम क्रीम बाहर की तरफ पोर आउट हो जाती है. तो ऐसी हम जार यूज करेंगे जो के क्लोज होंगे, एयर टाइट होंगे, जिसमें बैक्टीरियल जो है इजिली इंटर ना हो सके, बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके. इसी तरह के हम ट्यूब यूज करेंगे जो इजिली प्रेस करके क्रीम्स भी निकले उसके अंदर से और वहां उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ भी ना हो, वेल क्लोज भी हो और प्रोडक्ट इजिली आप उसमें से निकाल भी सकते हो. इस तरह के जार्स हम ट्यूब इस्तेमाल करेंगे. ट्यूब भी दिखाई गई है तस्वीर में, जार्स भी देखिए इस तरह के यूज होते हैं. अमूमन इसी तरह के जार्स में क्रीम या ट्यूब्स में क्रीम आ रही होती है. शुड बी लेबल्ड एज एक्सटर्नल यूज ओनली, क्योंकि ये एक्सटर्नली अप्लाई होती है तो ये मेंशन करना जरूरी है बरूनी इस्तेमाल के लिए. एक्सटर्नल यूज ओनली, बरूनी इस्तेमाल के लिए है क्रीम. एंड ये आप जार के ऊपर या ठीक है मेंशन करेंगे दिस इज ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज. ये स्टोरेज एंड पैकेजिंग हम इसके लिए हमें वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करेंगे. ये पॉइंट हर एक में ही आता है, वेल क्लोज कंटेनर यहाँ पे भी आप एड कर दीजिए. वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करेंगे ऐसे कंटेनर में जिसमें कंटेमिनेटेड का चांस कम हो, बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके, एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसको नुकसान ना पहुंचा सके. बाद क्या होता है, जार के अंदर क्रीम भरे में ड्राई हो जाती है क्योंकि उसका वाटर एवेपोरेट कर जाता है, वो सही तरह सील नहीं होता, तो वाटर एनवायरमेंट में एवेपोरेट कर जाता है और पीछे जो मटेरियल रह जाता है वो ज्यादा हार्ड हो जाता है. या फिर क्रीम दो लेयर्स में डिवाइड हो जाती है, ऊपर उसका ऑयल आ जाता है और नीचे वाला पोर्शन हार्ड होकर नीचे बैठ जाता है. दोनों सोचते हैं अगर पैकिंग सही ना हो इस तरह के चीजें देखी दे आ सकती है. या फिर कंटेमिनेटेड होने की वजह से, बैक्टीरियल ग्रोथ होने की वजह से उसकी फ्रेग्रेंस और उसका कलर चेंज हो जाता है. इसलिए वेल क्लोज्ड जार लें और जिसमें कंटेमिनेटेड का चांस कम हो इस तरह की चीज इस्तेमाल करें जो कि इजिली हैंडल की जा सके और इजिली आप उनसे क्रीम्स जो है निकाल सके. मेंशन करें लेबल पे कि एक्सटर्नल यूज ओनली, बरूनी इस्तेमाल के लिए. ये तमाम चीजें हैं जो हमने आज डिस्कस की है. आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एमल्जेंस क्या होता है, इस तरह का जो लिक्विड मिक्सचर जिसमें दो इनविजिबल लिक्विड्स हों और एमल्सिफाइंग एजेंट की वजह से इनविजिबल बने, क्रीम उसी की एक टाइप है. आज आप लोगों ने अच्छा क्लियर हो गया होगा. ठीक है, मैंने आम एग्जांपल्स और एमरजेंसी की आम एग्जांपल्स दी जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती है, आपको समझने में मदद देंगी. एमरजेंसी को अगर आप पहले समझ लेंगे तो क्रीम्स को इजीली आप समझ पाएंगे. क्रीम्स के टाइप्स, एमरजेंसी
से रिलेट करते हैं क्योंकि क्रीम खुद एक एमरजेंसी एग्जाम्पल है, याद रखिएगा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से क्रीम एमरजेंसी एग्जाम्पल है। इसमें अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और उसके बाद अच्छा सा इसे रीड कीजिएगा, समझिएगा और याद कीजिएगा, साथ साथ अपने नोटबुक्स पे भी पॉइंट आउट करते जाइएगा ताकि आपको याद रहने रहे कि हमारा ये टॉपिक कवर हो गया है। अब टाइम देने का, अपना टाइम देने का बेहद शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।